हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे थम्स अप करना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की क्विक रेसिपी। तो आज की रेसिपी है डार्क चॉकलेट केक, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो इसमें मैंने कोई भी व्हिपिंग क्रीम यूज नहीं किया है। तो अगर आपको व्हिपिंग क्रीम इस वक्त नहीं मिल रही हो, या जिन लोगों को व्हिपिंग क्रीम से आइसिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो डार्क चॉकलेट केक आपका बिल्कुल परफेक्ट बने उसके लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप ले लें 8 इंच केक टिन और उसे अच्छे से ग्रीस कर लें, मतलब उसमें अच्छे से आप तेल लगा लें। अगर आपके पास इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी इसे लगा सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें लगा दें कोई पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर, ताकि जो केक है वो अच्छे से टीन से आसानी से निकल सके। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर इसका डस्टिंग भी कर सकते हैं। आप एक बड़ा सा बाउल या प्लेट ले लें और उसमें डालें 1 कप और 3/4 कप मैदा, और इसके बाद आप डाल दें कोई भी अच्छी क्वालिटी का 1/2 कप कोको पाउडर, और इसके बाद आप डालें इसमें 1 TSP बेकिंग सोडा और 1/4 TSP बेकिंग पाउडर। तो इस रेसिपी में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से ज्यादा डलता है, क्योंकि इसमें हमने कोको पाउडर मिलाया हुआ है। इसे आप अच्छे से छन्नी से छान लें। छन्नी से छानने से इसमें कोई भी गुठलियां नहीं होती है, और आप देख रहे हैं इस तरीके से छानने से इसमें बहुत ही अच्छा एरिएशन आता है केक में, जिससे कि जो केक है वो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बनता है। और ऐसी ही सारी रेसिपी आपको टिप्स एंड सीक्रेट के साथ मिलते रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप एक मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप पीसी हुई शक्कर ले लें। यूके की जो शक्कर है वो बहुत ही ज्यादा फाइन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे नहीं पीसा है। और इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 कप गाढ़ा दही। तो इसमें आप योगर्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 TSP वेनिला एसेंस। तो आप ये कहेंगे कि वेनिला एसेंस आपने चॉकलेट केक में क्यों डाला? तो वेनिला एसेंस डालना ऑप्शनल है, पर अगर आप इसे डालेंगे तो जो मैदे का बेस टेस्ट होता है वो इसमें नहीं आएगा। तो सारी चीजों को हमें अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक जो शक्कर, तेल और जो दही डाला है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो सारे मेजरमेंट के लिए आप मेजरमिंग कप और स्पून का ही यूज करिएगा, घर की कटोरी या चम्मच का इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करिएगा। तो मीडियम स्पीड में मुझे इसे मिक्स करने में 3 से 4 मिनट ही लगे हैं, और ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप इसे विस्क से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, पर उससे करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगेगा। तो आप ट्राई करिएगा कि आप हैंड मिक्सर का ही यूज करें, क्योंकि ये जितने अच्छे से मिक्स होगा केक जो है उतना ही ज्यादा स्पॉन्जी बनेगा। और अब बारी आती है इसमें केक मिक्स को ऐड करने की। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो अब आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लें। तो आप चाहे तो इसे हाथों से ही इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है, और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1/4 कप दूध, और आप इसे हल्के हाथों से स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स करिए। तो यहाँ मैं हैंड मिक्सर का यूज कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसे आपको बस थोड़ी कुछ 5 या 10 सेकंड के लिए ही मिक्स करना है, इसे आप बहुत ज्यादा ओवर मिक्स बिल्कुल भी ना मत करिएगा। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए फिर से 1/4 कप दूध। तो दूध डालने के बाद इसे मैंने एक बार अच्छे से फिर से मिक्स किया है, तो आप इसे बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के लिए ही मिक्स करिएगा। तो आपको इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही इस तरीके से मिक्स करना है। देखिए, इसमें अभी कोई भी लम्स नहीं है। और मिक्स करते वक्त आप एक बात याद रखिएगा कि आप इसे एक ही डायरेक्शन में ही मिक्स करिएगा। तो जो केक बैटर है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे किनारे से भी क्लीन कर लें। और अब केक को ज्यादा स्पंजी बनाने के लिए आप इसमें डाल दीजिए 2 TSP लेमन जूस, मतलब नींबू का रस। तो नींबू का रस आप तब डालें जब आपका ओवन प्री हीट हो चुका हो,
तो यहाँ पर आप ओवन को 180 डिग्री पर पहले प्रीहीट कर लें और उसके बाद नींबू का रस डालने के बाद इसे आपको बिल्कुल ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप हैंड मिक्सर का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, इसे हल्के हाथों से सिर्फ 7 से 8 बार आप इस तरीके से मिक्स करें और अब बिल्कुल देरी किए बिना आप इसे डाल दें पहले से ग्रीस करके जो हमने केक टिन रखा था उसमें। तो केक बैटर बनने के बाद आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा और इसे सीधा आप प्री हीटेड ओवन में डाल दें, क्योंकि सोडा जो है वो नींबू और दही से रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो केक बैटर डालने के बाद आप इसे कुछ इस तरीके से ऊपर से सरफेस इसका प्लेन करें और उसे 2 से 3 बार आप टैप करें ताकि इसमें से एक्स्ट्रा एयर बबल निकल सके। तो आप प्री हीटेड ओवन पे 180 डिग्री पे इसे 35 से 40 मिनट तक बेक करें और इसे ओवन के थर्ड शेल्फ पे रखें या आपके ओवन का जो भी मिडिल शेल्फ हो आप उसमें रखें। और आप केक के लिए बनाते हैं सोकिंग सिरप, तो यहाँ पर आप ले लें 1 कप पानी और उसमें आप डाल दीजिए 1/4 कप शक्कर और किसी भी अच्छे कंपनी का आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर। तो सिरप को आप अच्छे से मिक्स करें और इसे ठंडा होने के लिए आप फ्रिज में रख दें। एक बाउल में आप ले लें अपनी पसंद का कोई भी 250 ग्राम डार्क चॉकलेट या कंपाउंड चॉकलेट और फिर उसमें आप डाल दीजिए गरम किया हुआ 200 ml सिंगल क्रीम। तो क्रीम या तो आप माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं या फिर गैस में गर्म कर सकते हैं, पर चॉकलेट के साथ इसे मिक्स करने के पहले जो क्रीम है वो अच्छी गर्म होनी चाहिए। अगर चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है और उसमें लम्स हैं तो आप उसे माइक्रोवेव में 10 से 15 सेकंड के लिए या फिर डबल बॉइलिंग मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और इसे आप सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। तो केक बनकर रेडी हो चुका है, इसे अनमोल्ड करके आप रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर आप ले लें 10 इंच केक बोर्ड और उसमें सबसे पहले आप लगा लें चॉकलेट। तो केक बोर्ड में क्रीम या चॉकलेट इसलिए लगाया जाता है ताकि जो केक है वो बनने के बाद बोर्ड में से स्लिप ना हो। तो केक को ठंडा होने के बाद मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है और 1 लेयर इसमें रखने के बाद इसमें डाल दिया है सोकिंग सिरप और उसके बाद जो चॉकलेट मिक्स हमने बनाया था उसका मैं पहले ऐसा बॉर्डर लाइन बना ले रही हूँ। आप चाहें तो स्पैचुला से भी इसे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद अगर जो चॉकलेट है वो आपका हार्ड हो चुका है तो चॉकलेट के बर्तन को आप कुछ मिनट के लिए गर्म पानी के ऊपर रख दीजिएगा, उससे वो फिर से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने उसी मिक्स में से कुछ चॉकलेट मेल्ट किया है ताकि जो केक है वो अच्छे से चॉकलेट सिरप सोक कर ले और केक बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और चॉकलेटी बने। तो अगर आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, तो स्पैचुला से आप इसे अच्छे से इस तरीके से फैला लें, इसीलिए मैंने इसमें पहले बॉर्डर लाइन बनाई थी। और पूरा चॉकलेट लगाने के बाद आप एक बार स्पैचुला से कुछ इस तरीके से इसे फैला लें ताकि जो लेयरिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए केक का सेकेंड लेयर। तो कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप यहाँ पर शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। तो केक के टॉप लेयर में मैं बैक साइड से ही सोकिंग सिरप डालती हूँ तो उससे टॉप लेयर के आइसिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो केक को आपको साइड से भी पूरा चॉकलेट से फिल कर लेना है। तो साइड से चॉकलेट के साथ इसे कवर करने के बाद आप केक बोर्ड को साफ कर लें किसी टिश्यू पेपर से और इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो केक को 2 से 3 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो मेरे बच्चे को केक चॉकलेटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक बार मैं इसे चॉकलेट से फिर फाइनल लेयरिंग कर रही हूँ इसकी। तो स्पैचुला को आप 1 मिनट गर्म पानी में रखें और उसे किसी टिश्यू पेपर या साफ कपड़े से पोंछ कर आप केक में कुछ इस तरीके से चलाएं ताकि इसके शार्प एजेस बन सकें। तो केक के टॉप लेयर में मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ मैं चॉकलेट से ही डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो जो चॉकलेट मिक्स है उसे आप थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो वो सेट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने मनपसंद का कोई भी डिज़ाइन केक के ऊपर बना सकते हैं। तो मेरे पास कुछ रेडीमेड चॉकलेट हैं, आप अपने पसंद का कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं और उसमें मैंने लगा दिया है एडिबल गोल्डन डस्ट कलर। ये आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये करने से जो चॉकलेट का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा रिच आता है। तो आप इसे डाल दें अपने डिज़ाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से। तो मैंने कुछ ओरियो बिस्किट्स भी लिए हैं और उसमें भी गोल्डन डस्ट कलर लगाया है, उसे हाफ कट करके मैंने कुछ इस तरीके से केक के ऊपर रखा है।
तो केक के बॉटम में मैंने यहाँ पर लगाया है कुछ चोको चिप्स। आप अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं। तो ये सिंपल और ब्यूटीफुल केक बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको डार्क चॉकलेट की ये रेसिपी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और भी अच्छी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।